friends, welcome to my channel Learn English Grammar Easily. In this video, I will teach you verbs. Okay? इससे पहले भी मेरे 9 videos आ चुके हैं. ये video number 10 है. ठीक है? आप जानते हैं verbs की importance क्या है? English बोलना और लिखना बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए verbs के बिना. ठीक है? और मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया है सभी videos में कि ये V1, V2, V3, V4 form क्या होते हैं. फिर भी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूंगी कि V1 form हम present में use करते हैं, V2 form past में use करते हैं, V3 form perfect tense में use करते हैं. Basically ये भी past को ही दर्शाता है. V4 form हम क्या है, जो काम हमारा अभी चल रहा है उसको दिखाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. आज का first verb हमारा क्या है, run. Run का मतलब होता है भागना. V2 form क्या होता है, ran. V3 form क्या होता है, run. V4 form क्या होता है, running. ठीक है, next verb है हमारा become. Become का मतलब होता है बनना. Okay, for example, I will become doctor, I will become engineer, like this. Okay, next V2 form क्या होता है, became. V3 form क्या होता है, become. V4 form क्या होता है, becoming. ठीक है, next verb है हमारा hang. Hang का मतलब होता है कोई भी चीज लटकाना. ठीक है, V2 form है hung, V3 form है hung, V4 form है hanging. ठीक है, next word है हमारा hold. Hold का मतलब होता है पकड़ना. ठीक है, V2 form है held, V3 form है held, V4 form है holding. ठीक है, हमारा आज का last word है वो कौन सा है, lose. Lose, lose का मतलब होता है कोई भी चीज खो देना. ठीक है, V2 form है lost, V3 form है lost, V4 form है losing. Okay, thank you so much for watching my video. Please like, comment, subscribe and share my videos.